नमस्कार। एक बार पहले ही सुप्रीम कोर्ट से उत्तर कुंजी संशोधित जो मामला है वो पहले ही खारिज हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से शिक्षा मित्रों के माध्यम से इसके लिए अपील की गई और इस स्पेशल अपील की सुनवाई आज होनी थी 7 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई लंच से लगभग थोड़ी देर पहले शुरू हुई, जहां पर सभी वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखना शुरू किया। हम आपको साथ में ये भी बता दें, ये सुनवाई सुबह 11 बजे ही हो सकती थी, लेकिन कुछ वकीलों के ना होने के कारण यह सुनवाई अगले 10 केस के बाद शुरू हुई। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के माध्यम से अपनी दलीलों को पूरी तरह से पेश किया गया, लेकिन साथ में सरकार के महत्वपूर्ण वकील उन्होंने इस चीज़ को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह केस पुनः यानी एक बार पहले ही खारिज हो चुका है, इसको दोबारा से किया गया है। साथ में यूयू ललित सर इस चीज़ से अपडेट थे और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने 37,000 ये जो सीटें रिजर्व कर दी हैं दूसरे जज साहब ने, वो उन्होंने रिजर्व नहीं की हैं, यानी कि कुल मिलाकर 14 जुलाई को ये सीटें आपकी छूट सकती हैं और भर्ती शुरू हो सकती है। फिलहाल सुनवाई पूरी उन्होंने की, सभी वकीलों से पक्ष सुना और साथ में सुनवाई समाप्त हो चुकी है और आदेश दिया है कि हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट से खारिज करते हैं और इसे इलाहाबाद लखनऊ बेंच की डबल बेंच में भेजते हैं, जहां से ये केस को रोका गया था यानी भर्ती शुरू करने का आदेश कोर्ट ने दिया था, वहां पर इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है और कहा गया है कि इस केस को सुनकर 2 महीने के अंदर इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है डबल बेंच, वहां से इसका निपटारा किया जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यही अपडेट किया है और इस केस को पूरी तरह से खारिज किया है। तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, भर्ती पर किसी प्रकार की रोक नहीं है।